नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं VBA सीरीज का एक ऐसा वीडियो जिसमें कि हम लोग यहां पे सीखेंगे कॉपी पेस्ट करना, वो भी डायनामिक वे में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पे मेरे पास कुछ डेटा है और यहां पे देखिए यहां पे कुछ हेडिंग है, यहां पे जो है जनवरी मंथ का डेटा है, फरवरी मंथ का है और यहां पे मार्च मंथ का है। ये क्या है? कलर वाइज डेटा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो है इस कलर पे जो भी है डेटा वो जो है कॉपी होके इस फरवरी मंथ के लिस्ट में चले जाए और फरवरी ये जो डेटा है ये डेटा जो है फरवरी में चले जाए और ये जो डेटा लास्ट वाला वो जो है मार्च में चले जाए और सभी का जो है हेडिंग भी साथ में जाए। ये काम करेंगे हम लोग VBA के थ्रू। नॉर्मल वे में तो हम लोग कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और वो भी डायनामिक वे में। क्या है नहीं है देखिए, सबसे पहला काम क्या है, जैसे यहां पे देख रहे हो आप जनवरी का डेटा शीट जो है पूरा ब्लैंक है। मैं यहां पे जस्ट वन क्लिक करूंगा, यहां पे जनवरी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो देखिए जनवरी का जितना डेटा है वो जो है यहां पे कॉपी होके पेस्ट हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से अगर फरवरी पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए फरवरी शीट में भी ये कॉपी होके पेस्ट हो गया। अभी देखिए मार्च शीट का पूरा ब्लैंक है, तो यहां पे ब्लैंक है, तो यहां पे जैसे ही मैं इस डेटा में जाने के बाद इस मार्च वाला पे कॉलम पे पेस्ट क्लिक करता हूं तो होता है देखिए मार्च का भी डेटा यहाँ पे आ चुका है। मतलब कलर वाइज जो कलर का यहाँ था मार्च में यहाँ पे आ गया है, फरवरी वाला फरवरी में गया है, जनवरी वाला जनवरी में गया है, लेकिन हेडिंग अभी किसी में भी नहीं है। जनवरी में भी हेडिंग नहीं है, फरवरी में हेडिंग नहीं है, मार्च में भी हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हेडिंग भी मुझे चाहिए सभी में। ठीक है, ये वाला हेडिंग चाहिए, तो देखिए मैं हेडिंग पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए मार्च वाला में हेडिंग आ गया, फरवरी में भी हेडिंग आ गया, जनवरी में भी हेडिंग आ चुका है और डेटा का तो डेटा है ही। ठीक है, ये सारा काम करेंगे हम लोग VBA के थ्रू। किस तरह से करेंगे, क्या है नहीं है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और क्या है यहाँ पे, इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे यहाँ जो सेल्स लिखा हुआ ना, सेल्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ और भी मैं टारगेट लिख देता हूँ, TARGET टारगेट लिख दिया। ठीक है, लेकिन अभी आप जाओगे जनवरी में देखिए सेल्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, सभी जगह सेल्स के जगह टारगेट आ चुका है। मतलब सभी जगह डेटा जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारा काम करेंगे हम लोग VBA के थ्रू। आप देख रहे हैं अभी VBA सीरीज का ये वीडियो, अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं बेसिक से बताना शुरू किया हूं और पूरा बेसिक से A to Z बताऊंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखा बताऊंगा ताकि आपको VBA का कुछ भी जानकारी के लिए आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वहां पे ऑलरेडी 4-5 वीडियो रिलीज हो चुके हैं, नेक्स्ट सीरीज का ये वीडियो है, तो आप इसको देखिए क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए, ये काम करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा एक फ्रेश शीट पे जाऊंगा और वहां पे आपको ये सारा चीज बताता हूं। ठीक है, तो इस शीट को मैं करता हूं क्लोज। ठीक है, क्लोज किया, अभी इस सीट पे आ गया। ठीक है, ये सीट देखिए पूरा फ्रेश सीट है, मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री किया हूँ। ठीक है, और डेटा में आपके पास यहाँ पे मेरे पास डेट दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ये चाहता हूँ कि ये कलर का जो डेटा है ये जो है जनवरी में जाए और यहाँ का जो डेटा है फरवरी और मार्च, तीन सीट मैंने क्रिएट किया है बस। अब आपको इसमें VBA कोड मुझे लिखना है। ठीक है, इस डेटा को कॉपी करने के लिए मुझे VBA कोड लिखना है, तो वो कोड किस तरह से लिखेंगे वही मैं बात करने वाला हूं। देखिए क्या करना है, अगर आपको पता ही है कि आप VBA मेरा बेसिक सीरीज देखे हैं, आपको पता ही होगा कि डेवलपर टैब कैसे लाते हैं। चलिए डेवलपर टैब में जाएंगे हम लोग। सबसे पहला काम VBA में जाने के लिए, मतलब डेवलपर टैब मस्ट है, आपको जाना है डेवलपर टैब में और यहां से जाना है विजुअल बेसिस में, तो आपको इस टाइप का कुछ विंडोज आएगा। उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करके एक मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे। जैसे ही मॉड्यूल इंसर्ट किए तो मॉड्यूल 1 यहां पे आ चुका है। ओके, अब मैं बात करता हूं यहां पे इसका प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग का जो स्टेप होगा वो स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है, जनवरी का डेटा कहां से कहां तक है, यहां से A2 से शुरू हो रहा है और A2 से लेके आपको जाना है D6 तक। जनवरी का जो डेटा है A2 से लेके D6 तक आपका डेटा है, तो A2 से D6 के लिए हम लोग यहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे।
जनवरी डेटा के लिए। तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ, आपको VBA में जो जाते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग नेम की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सब डेटा किसका लिख रहा हूँ, जनवरी ही मैंने नाम दे देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे सब जेन और सब एंड, मतलब ये क्या होगा, प्रोग्राम का नेम हो गया और यहाँ पे सब एंड, और इसके अंदर जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, क्या प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला काम करना, हम लोग यहाँ पे मेन शीट में है, तो सबसे पहला रेंज RANGE रेंज करूंगा, और रेंज करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे देखिएगा डबल कोट के अंदर लिखना है, क्या डबल कोट के अंदर लिखना है, रेंज। कौन सा रेंज करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखिए ये कौन सा है, A2 से लेके D6 तक, A2 से D6 तक रेंज हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ A2 और यहाँ पे सेमी कॉलम और D6 तक, इतना ही था, और यहाँ पे सेमी कोलन डबल कोट से बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इतना लिखने के बाद .copy, ठीक है। इतना को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जब ये मेरा कॉपी हो जाएगा ये डेटा, देखिए मैंने क्या किया, रेंज A2 से D6, ये हो गया मेरा A2 और D6 जो है यहाँ पे हो गया, मतलब इस रेंज को मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। तो वही चीज मैं लिखा हूं यहाँ पे VBA में, ठीक है, रेंज A2 से D6 को कॉपी करना है। जब ये कॉपी हो जाएगा तो हमको कहां जाना पड़ेगा, यहां कॉपी हो गया तो हमको कहां जाना पड़ेगा, यहां पे जनवरी सीट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनवरी सीट में जाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे जो लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सीट, कौन सा सीट में जा रहे हैं, सीट्स, और यहाँ पे जो है आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और डबल कोट के अंदर सीट का नेम दे दीजिए, ये नेम क्या है, JN, मतलब सीट का नाम दे दिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया। डॉट सेलेक्ट करना है, मतलब जनवरी सीट जो है सेलेक्ट करना है, SELECT, आपका नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको कीजिए। जब ये सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, इस डेटा को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे RANGE रेंज करूंगा, रेंज, और रेंज कौन सा चाहिए, यहाँ पे पेस्ट कहाँ पे करना है मुझे, A2 डेटा में, तो A2 कर देता हूँ, रेंज A2, और जब भी देखिएगा रेंज आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो इसको सेल का रेफरेंस जो है डबल कोट के अंदर ही करना है, ठीक है। उसके बाद करना है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, बस इतना ही करना था, आपका काम हो गया। अभी देखिए ये काम किस तरह से करता है, ये फाइल किस तरह से काम करता है, जब आपको यहाँ पे मैं F8 प्रेस करके रन करके दिखाता हूँ क्या होगा। सबसे पहला जो है जनवरी को सेलेक्ट किया, ओके, रेंज A2 से D6 को कॉपी किया, देखिए ये क्या हो गया, A2 से D6 को जो है, देखिए यहाँ पे क्या किया, A2 से D6 तक जो है आप जो रेंज दिए हैं उस रेंज को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद ये कहाँ जाएगा, सीट जनवरी में, देखिए जनवरी के सीट में आ गया है। उसके बाद रेंज D2 A2 कहाँ, A से यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके वो पेस्ट करेगा, देखिए इस पॉइंट में आके क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। यही प्रोग्राम लिखे थे आपने और यही जो है आप स्टेप बाय स्टेप करके रन कर लिया, ओके। जब ये रन हो गया तो उसके बाद आपका जो है प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो चुका है। ये तो रहा किस तरह से काम करेंगे, अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, जब आप ये प्रोग्राम को रन कर चुके हैं तो आपको क्या है, ये सीट जो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन फिर से मुझे डेटा सीट पे जाना है, तो मैं न्यू प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सेम जनवरी के लिए, फरवरी के लिए भी स्टार्ट करूंगा। तो फरवरी के लिए आपको स्टार्ट करना, आप कहीं भी रहो, किसी भी सीट पे रहो, मतलब नहीं है, यहां से मैं यहां पे फरवरी के लिए एक और प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं, FEV और यहां पे डबल कोट ओपन करता हूं, देखिए नया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया फरवरी के लिए। अब मुझे कहां जाना है, डेटा सीट पे जाना है, तो डेटा सीट पे जाने के लिए यहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा SHETS सीट्स, कौन सा सीट पे आप जाना है, किस सीट पे जाना है आपको, डेटा पे जाना है, तो यहां पे लिखना है DATA डेटा और यहां पे ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, बस इतना ही था। यहां पे SELECT सेलेक्ट क्या हो गया, आप कहां जा रहे हो, इस सीट पे जा रहे हो, ठीक है, डेटा सीट पे जा रहे हो, डेटा सीट पे गए, ओके। जब डेटा सीट पे जाएंगे तो यहां पे सबसे पहला काम क्या है, यहां पे जो है आपको सेलेक्ट करना है फरवरी का डेटा, फरवरी का डेटा में रेंज आपको कहां से मिलेगा, A7 से लेके यहां तक D13 तक, A7 से D13 तक आपको जाना है। तो बस वही काम करेंगे, यहां पे क्या काम करेंगे, देखिए रेंज क्या सेलेक्ट करना है आपको, रेंज सेलेक्ट करना है A7 से, E7 जब भी लिखेंगे डबल कोट के अंदर रखेंगे, A7 D13 तक, बस हो गया। ये रेंज को लेके आपको क्या करना है, ये रेंज को लेके
डॉट कॉपी। बस कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करने के बाद कहाँ जाना है, फिर से आपको जाना है सीट्स, फेब्रुअरी सीट में जाना है, तो वही लिखेंगे SHEETS सीट्स, सीट्स, और यहाँ पे जाना है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट रखेंगे FEV और इसको डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे, डॉट SELECT डॉट सेलेक्ट, ओके। यहाँ पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, रेंज, किस रेंज में उसको जाना है पेस्ट करने के लिए, RANGE रेंज करेंगे, और रेंज करने के बाद जो है फेब्रुअरी का कौन सा रेंज जाना है, A2 को भी हम लोग डबल कोट के अंदर रखेंगे, A2 रेंज में जाके उसको क्या करेगा, पेस्ट करेगा, ओके, डॉट पेस्ट स्पेशल, ओके। इतना किया, उसके बाद प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1, 2, 3 सीट लिया हूँ, यहाँ पे मार्च तक लिया हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जितना भी डेट आओ आपको यही चीज करना है बस। नेक्स्ट करूंगा, मार्च के लिए भी करूंगा, सेम वही सब MAR लिख देता हूँ मार्च के लिए, और डबल कोट, ओके। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मैं यही प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, जो यहाँ पे किया हो ना आप कॉपी कर, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, जस्ट इसको क्या करो, कॉपी कर लो, ये मार्च वाला में कर दो, पेस्ट कर दीजिए। बस आपको चेंज क्या करना, देखिए डेटा सीट तो वन रहेगा, रेंज यहाँ पे कॉपी क्या करना है मार्च के लिए, देखिए मार्च के लिए A14 से लेके और D20 तक, A14 से D20 तक आपको सेलेक्ट करना है, तो बस वही कर दीजिए ना, बस रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए, क्या करना है, A14 से लेके A14 से D20 कर दीजिए, यहाँ पे भी D20 मैंने कर दिया, कॉपी कर लेना है, कौन सा सीट को सेलेक्ट करना है इसमें, मार्च, MAR मार्च, ठीक है, D2 में पेस्ट करना, बस हो गया आपका काम, ये सारा प्रोग्राम आपने सभी मंथ के लिए कर लिया, ठीक है। अब बात आती है हेडिंग के लिए, ठीक है, हेडिंग भी तो चाहिए, ये हेडिंग के लिए भी चाहिए, सभी सीट में चाहिए हेडिंग, ओके, सभी सीट में हेडिंग अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपका जो हेडिंग है वो कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब A1 से D1 तक, ओके, A1 से D1 तक है, तो A1 से D1 तक हम लोग कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब हेडिंग, हेडिंग करके यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एक एंटर किया, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या लिखना है मुझे, कौन सा सीट सेलेक्ट करना है, सीट्स, और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, और डबल कोट के अंदर लिखता हूँ DATA, डेटा वाला सीट्स, ओके, डेटा वाला सीट सेलेक्ट किया हूँ, इसको डबल कोट के अंदर रख के इसको क्लोज करता हूँ, डॉट SELECT सेलेक्ट, ओके। अब रेंज कौन सा सेलेक्ट करना है, RANGE रेंज करूंगा, रेंज में जाना है मुझे कौन सा, अभी देखिए A1 से यहाँ पे D1 तक, ओके, A1 से D1 तक सेलेक्ट करना है, तो मैं यही करूंगा यहाँ पे A1 और डबल कोट डॉट, यहाँ पे D1 कर दिया, डबल कोट से इसको क्लोज किया और इसको क्लोज किया, डॉट COPY, बस इतना हो गया कॉपी। अब क्या करना है, इस डेटा को मुझे पेस्ट कहाँ पे करना है, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सीट जनवरी पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा सीट्स इसको डबल कोट में देखूंगा GN, कौन सा सीट में जाना है, JAN, ओके, और यहाँ पे क्लोज किया, डॉट SELECT जनवरी वाला सीट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट कहाँ करेंगे, RANGE रेंज करता हूँ, रेंज करता हूँ A1 पे, A1 जब भी लिखूंगा तो यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा, ठीक है, A1 पे, ओके, A1, ओके, A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, करेक्ट, इतना हो गया। इसी को आपको, यही काम आपको रिपीट करना है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो बस वही काम करना है, जस्ट इन दोनों कॉलम को मैं कॉपी कर लिया, सैम्प को इसी को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो है जैन के जगह क्या करना है, फेब्रुअरी लिखना है, FEB कर दीजिए, ओके। फिर से आपको जाना है इस, यही काम करना है मार्च के लिए भी, यहाँ पे कर दीजिए MAR, ठीक है, तो यहाँ उसके बाद आपका जो प्रोग्राम जो है द एंड हो जाएगा।
देखिए इतना हो चुका है, इतना होने के बाद आप क्या करो, बस सेव बटन पर क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर देता हूं। अब आपका काम देखिए किस तरह से इजी होगा जनवरी का, फेब का और मार्च का सभी डेटा को एंट्री करने में। अब क्या करता हूं मैं, यहां पे आपको बटन भी चाहिए, वहां से बटन भी बना के दिखाया था, तो बटन के लिए आप क्या करो, यहां पे जो है यहां से कर दीजिए इंसर्ट। ओके यहाँ पे आप लिख दो कौन सा मंथ चाहिए, यहाँ पे जेएन लिखता हूँ, जेएन, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप जो है इसका साइज उज बड़ा कर दीजिए, इसका कलर उलर जो भी करना है आप अपने अनुसार इसका कलर भी आप सेट कर सकते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो। जेएन का डेटा सेलेक्ट किया, बस इसी को मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल भी कर रहा हूँ, और इसी में मैं लिख देता हूँ फैब, यहाँ पे एफईपी फेब्रुअरी डेटा, और यहाँ पे फिर से पेस्ट, और इसके लिए मैं कर देता हूँ मार्च, MAR मार्च के लिए। और एक और था हेडिंग, जो कि आपको हेडिंग भी सेलेक्ट करना है, तो इसमें हेडिंग कर देता हूँ एक लास्ट में हेडिंग। ओके अब आप इसका कलर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कलर देना है सभी सेल का, और इसको सजाते रहिए, जितना अच्छा सजाएंगे आपको उतना अच्छा जो है ये दिखेगा, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं, इसमें आप एक्सपर्ट हो मेरे ख्याल से। ओके ये सभी हो जाएगा। जब ये तीनों बटन रेडी हो गया मेरे पास, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो है क्लिक करते साथ अपडेट होना चाहिए, तो उसके लिए इस सेल में जो है हम लोग मैक्रो एनेबल लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन मैक्रो करेंगे, और इसके लिए देखिए जेएन का जो है जेएन आ गया, उसको ओके कर देंगे, ये फेव है तो इसके लिए फिर से असाइन मैक्रो करेंगे, इसको लिए एफईवी वाला प्रोग्राम ला लेंगे, और ये मार्च के लिए यहाँ पे जो है असाइन मैक्रो में जाइए और असाइन मैक्रो में MAR कर दीजिए, और ये हेडिंग के लिए जो है आप जो है हेडिंग वाला जो है असाइन मैक्रो कर दीजिए और हेडिंग कर दीजिए। अभी क्या हो गया, सभी में आपने मैक्रो लगा दिया है। अभी देखिए इसका काम किस तरह करता है। जनवरी का डेटा मैं यहां से डिक्लेयर कर देता हूं, क्लियर ही कर देता हूं, यहां पे क्लियर और जाके क्लियर कर देता हूं। देखिए डेटा नहीं है, फेब्रुअरी का डेटा नहीं है, मार्च का डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है। देखिए जनवरी पे क्लिक किया, जनवरी का डेटा आ गया, ठीक है। यहां से फेब्रुअरी में जाइए, क्लिक कीजिए, फेब्रुअरी का डेटा भी यहां पे आपको आ चुका है, सभी क्लियरली आ चुका है। इसी तरह से आपको मार्च में भी क्लियर करेंगे, देखिए मार्च का भी डेटा यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिक। अभी क्या हो गया, हेडिंग नहीं आया है, ठीक है, हेडिंग भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आप क्या करो यहाँ पे जो है हेडिंग पे क्लिक कीजिए ना, सभी में देखिए हेडिंग भी आके लग चुका है। तो किस तरह से हमने किया, क्या है नहीं है, किस तरह से डायनामिक वे में आपको प्रोग्राम का मतलब कॉपी करना पेस्ट करना बताया VBA के थ्रू, ठीक है। नॉर्मल वे में तो आप जानते ही हैं, VBA के थ्रू भी आप जान लिए आज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं चेंज करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल्स है, सेल्स की जगह लिख देता हूँ टारगेट, ठीक है, टारगेट लिखता हूँ, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अभी सभी में सेल्स ही लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे देखिए सभी जगह जो है यहाँ पे देखिए टारगेट लिखा गया है, यहाँ पे भी देखिए टारगेट लिखा गया है, और जेहन का भी डेटा जाएंगे देखेंगे तो इसमें भी आपको टारगेट लिखा दिया है। तो सबका जो है अपना अपना जो है अपना अपना किस तरह से क्या है नहीं है पूरा प्रोग्रामिंग काम किया, कैसा लिखा प्रोग्रामिंग, क्या लिखा नहीं लिखा, सभी कुछ आपको पता हुआ, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।